है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं इस वक्त, देखिए काफी दुकान यहाँ पे लोगों ने खोल लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जरूरत की हर चीजें यहाँ पे हम लोगों को मिल जाती है। दुकान है और अभी बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ पे। इस जगह का नाम है गुलशन कॉलोनी ऑटो स्टैंड। देखिए ऑटो लाइन से यहाँ पे आना जाना कर रहे हैं ऑटो वाले, पब्लिक को लेकर जा रहे हैं। सबसे भीड़ भाड़ इलाका यही है। देखिए लेकिन देखिए तरह तरह के होटल यहाँ खुल चुके हैं। अगर आप घर लेना चाहते हैं कलकत्ता के अंदर, आप घर लेना चाहते हैं तो आप पंचमी ग्राम जरूर तशरीफ लाएं, आपको मुनासिब कीमत के अंदर आपको घर मुहैया हो जाएगा इंशाल्लाह। आज से 10 साल पहले यहाँ आबादी बिल्कुल नहीं थी, लोग दिखाई नहीं देते थे, लेकिन आज इतनी आबादी हो गई है कि यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। हम लोग आए हैं यहाँ पे, एक खाल है जहाँ लोग गंदगी फेंकते हैं और ये खाल जो है बहुत काफ़ी तवील है, बहुत लंबा है। खाने पीने की दुकान यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर कोई मुसाफिर मेहमान अगर आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पे, ऐसा है। देखिए लाइन से यहाँ होटल है, गोश्त की दुकान है, यहाँ होटल है, होटल है। अम्मी से बात हुआ? देखिए एक मस्जिद है, ये VIP मस्जिद जिसका नाम है, ये मस्जिद है। यहाँ बच्चों की तालीम भी हुआ करती है और काफ़ी अच्छी तालीम का यहाँ पे एक निज़ाम है। बच्चों के लिए एक मदरसा है, बच्चियों के लिए मदरसा है, और भी यहाँ पे बहुत सारे मदारिस हैं। ये एक बिरयानी की दुकान है, आप देखिए। हमें घूमना है इधर से टन। यहाँ पे एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक मंदिर है, एक मंदिर है हमारी बाई तरफ है और मस्जिद भी बिल्कुल बगल में है। एक ख़ास बात यह है कि आज तक कभी किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं हुआ मुसलमान और नॉन मुस्लिम के दरमियान, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हम यहाँ पर भाईचारा बनाकर रहने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी बहुत बड़ा एक मंदिर है। ये अपने त्यौहार मनाया करते हैं खुलेआम और हम लोग अपने त्यौहार मनाते हैं खुलेआम, कोई किस्म की कोई परेशानी नहीं होती है। ये कब होगा? जब हम आपस में भाईचारा कायम रखेंगे, आपस में दुश्मनी नहीं करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत इंसानियत रखेंगे, ये वाला अगर ताल्लुक रखेंगे तो हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल मुस्लिम एरिया है, यहाँ 5 वक्त की अजान भी लाउड स्पीकर पे होती है और मंदिरों के अंदर उनके रस्म और त्यौहार भी लाउड स्पीकर पे हुआ करते हैं, कोई इशू की बात नहीं। अभी भी बिल्डिंगों का काम चालू है,
अभी भी इमारतें यहाँ बन रही हैं। गाड़ी कहाँ फंस गई? गाइस हम लोग वापस आ चुके अपने घर। हम लोग निकले थे उस तरफ से, आगे की तरफ से, और पहुंच रहे हैं पीछे की तरफ से, आ गए वापस घर। अब हम अपनी गाड़ी को लगाएंगे पार्किंग में रखेंगे ताकि गाड़ी महफूज रहे। गाड़ी को महफूज रखना बहुत जरूरी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।